नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स, मेरे साथ है ओम। और भारतीय सीरीज से पहले, अफ्रीकी सीरीज से पहले यहां पर पेसर का पेंच फंस चुका है और पेसर का पेंच इतना बुरा फंसा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय टीम किस पेस कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर उतरने वाली है। तो देखना यही है कि भारत का जो टीम मैनेजमेंट है, टीम इंडिया का जो टीम मैनेजमेंट है, वो कौन से पेस अटैक के साथ यहां पर उतरता है। क्योंकि ओम, यहां पर आपके पास हर्षल पटेल हैं, यहां पर अर्शदीप हैं, आपके पास खुद अपने आप में जम्मू एक्सप्रेस उमरान है और उसके साथ भुवनेश्वर आ जाते हैं एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट के पास सवाल यही है कि एक्सपीरियंस और जो युवा चेहरे, उनका कॉम्बिनेशन कितना बेहतरीन तरीके से बनाया जाए। देखना होगा कि फिर परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे या फिर जो रेपुटेशन जो भारतीय पेस बॉलर्स के लिए उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे आप परफॉर्मेंस के ऊपर जाए तो आपको हर्षल पटेल को अपनी टीम में लेना होगा। मेरे हिसाब से दोनों ही जितने भी आप प्लेइंग 11 रखेंगे उसके अंदर हर्षल पटेल का नाम सबसे ऊपर होगा। डेथ ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, भारतीय टीम के लिए भी अच्छा किया, आरसीबी के लिए भी अच्छा करा और ऑफ कटर्स है, देखने में लगता है कि आप इनको मार देंगे, सिक्सेस आप इनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं इन ग्रुप। लेकिन इनकी गेंद रुक कर आती है, थम कर आती है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है हर्षल पटेल को। तो मेरा एक आइडल जो पिक होगा सबसे पहले होगा हर्षल पटेल। उसके साथ यहाँ पर जो सेलेक्टर्स के लिए जो दिक्कत खड़ी करेंगे वो करेंगे उमरान मलिक के साथ जाएंगे वो, या फिर जाएंगे आवेश खान के साथ। क्योंकि आवेश खान भले ही थोड़ा सीनियर है, उमरान मलिक से ज़्यादा गेंदबाजी करी है, लेकिन जो फॉर्म आवेश खान का रहा वो काफ़ी डाउन रहा था। लखनऊ के लिए अच्छी गेंदबाजी की नहीं थी, एक बड़े मैच में रन्स के लिए गए थे वो, हमें याद है कोलकाता का वो मैच, दो ओवर में 39 रन चाहिए थे, ये कुछ 20-22 रन खाए गए थे उस ओवर से, तो और डिफ़िकल्ट बना दिया था इन्होंने अपोजिशन के लिए वो वाला मैच। और दूसरा हमारे पास है उमरान मलिक का नाम, काफ़ी इम्प्रेस किया उमरान मलिक ने, पूरी सीरीज में अच्छी गेंदबाजी करी, भले ही थोड़े इकोनॉमी से थोड़ी सी मात खाए अपनी कि रन थोड़े से देते रहे, लेकिन सीजन एंड होते होते उस पर भी इम्प्रूवमेंट लाए, पेस के साथ साथ एक इकोनॉमी पे भी अपनी अंकुश लगाया। तो देखते हैं कि सेलेक्टर्स यहाँ पर किसे पिक करेंगे और यहाँ पर अगला नाम हमें श्रेय बताएंगे। श्रेय, अगला नाम भुवनेश्वर कुमार जो कि तय है, मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार वो नाम है जो कि तय है। क्योंकि यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार नहीं रहेंगे तो अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग अटैक को लीड कौन करेगा, लीडर नहीं होगा हमारी यहाँ पे पेस अटैक में। लेकिन आप वो देखिए ना परफॉर्मेंस, क्या भुवनेश्वर कुमार की अप टू द मार्क परफॉर्मेंस थी? बिल्कुल नहीं, नहीं, मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार तो आप रेपुटेशन के साथ जाएंगे। बिल्कुल, भुवनेश्वर के मामले में मैं जरूर रेपुटेशन के साथ जाऊंगा। दिल्ली की विकेट है श्री? हाँ बिल्कुल, मैं रेपुटेशन के साथ ही जाऊंगा क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भुवनेश्वर के साथ अर्शदीप हो मेरे, और यहाँ पे हर्षल पटेल, ये अगर तीन ऑप्शन मुझे देना हो तो भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप और हर्षल पटेल। आपने उमरान मलिक को ड्रॉप किया जो सबसे ज्यादा चर्चित फास्ट बॉलर, मैं कहूंगा फास्ट बॉलर नहीं, मैं खिलाड़ी कहूंगा। देखिए ऐसा है, हाँ, बिल्कुल बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उमरान मलिक को इस पूरी सीरीज में ही मौका नहीं दिया जाएगा, उमरान मलिक को मौके मिलेंगे, सभी जानते हैं उमरान मलिक जिस नाम के साथ आते हैं उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए शुरुआती मैच में मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है, बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर है। तो दूसरा नाम आपने अपने तीन फास्ट बॉलर बताए, श्रेय ने अपने फास्ट बॉलर बताए हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और तीसरा नाम क्या था आपका? अर्शदीप सिंह। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी सिमिलर चॉइस है, भुवनेश्वर कुमार मेरी भी टीम में होंगे, एक्सपीरियंस चाहिए इस साउथ अफ्रीकी, जितने भी आप बैटिंग लाइनअप देखेंगे ना, क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम, डेविड मिलर, खत्म नहीं होते, इतने खतरनाक इनके पास नाम है, इनको आउट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। जब ये मार पड़ेगी तो भुवनेश्वर कुमार को अच्छे से आता है इनसे कैसे आप बचें, क्योंकि इन्होंने 2015 वाली सीरीज में भी थे भुवनेश्वर कुमार, 2018 वाली सीरीज में भी थे भुवनेश्वर कुमार, हैदराबाद की बॉलिंग को लीड कराए भुवनेश्वर कुमार ने, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भुवनेश्वर कुमार का रोल। तो मेरी टीम में भी होंगे भुवनेश्वर कुमार और दूसरी तरफ हर्षल पटेल, ये नाम हमने पहले भी अभी कंसिडर करा, हमने बात करी कि ये भी काइंड ऑफ श्योर नाम है क्योंकि ही हैज शोन हिज परफॉर्मेंस, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बताया कितने ज़रूरी गेंदबाज रहे हैं और बैटिंग से भी आपको लोअर डाउन द ऑर्डर आपको एक अच्छा एसेट देते हैं। तो एक नाम भुवनेश्वर कुमार, एक नाम हर्षल पटेल, यहाँ पर मेरा तीसरा नाम होगा उमरान मलिक, क्योंकि उमरान मलिक काफ़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है और आप जितना भी आप डिनाई कर लिए लेकिन कहीं ना कहीं पेस आपको परेशान करती है। बिल्कुल, देखिए पेस परेशान करती है लेकिन ये हमें समझना होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेस से परेशान होने वाली बात वो एक दो गेंद की ही रह जाती है, वो ऐसा नहीं होता कि बल्लेबाज जो है वो
पूरी तरह से पेस से परेशान हो रहा है। लेकिन श्रेय लाइन और लेंथ में भी इम्प्रूवमेंट लाया उमरान मलिक ने। देखिए इम्प्रूवमेंट तो इकोनॉमी में भी आया है, ऐसी बात नहीं है। इकोनॉमी को लेकर उमरान की आलोचना हो रही थी शुरुआत में। 22 विकेट हैं इस साल। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसमें सारे विकेट वो नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। नो डाउट उमरान अपने आप में बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं स्पीड से, और जब हमने प्रैक्टिस सेशन की वीडियो देखी वहां पर दोनों कोच लगे हुए थे। जो गुजरात के अगेंस्ट निकाली है उन्होंने, जो चैंपियन टीम है इस साल की, और आप सारे बल्लेबाज देखिए, हार्दिक पांडे का उन्होंने विकेट लिया, शुभमन गिल का विकेट लिया, उसके बाद आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं पूरे सीरीज से उन्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। पहले मैच में मुझे लगता है जहाँ पे हमें जीत कर दबदबा बनाना चाहिए शुरुआत के एक दो मैच में, वहाँ पे अब टीम मैनेजमेंट के ऊपर है, क्योंकि मैंने और ओम ने तो अपनी फेवरेट जो टॉप 3 पिक्स होंगे अगर फास्ट बॉलर्स की वो बता दी है। आप भी अपनी टॉप 3 पिक्स जो फास्ट बॉलर्स की हो सकती है ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।